30% तक बनी, लेकिन अब 43% तक आंकड़ा जा रहा है और सपा लगभग 33 तक है, मतलब वोट परसेंटेज बहुत बड़ा लेके आने की जरूरत पड़ेगी आने वाले वक्त में। बिल्कुल सही बात है, एक चुनौती है और ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, न केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो सपोर्ट बेस है उसको इंटैक्ट रखा है, बल्कि उन्होंने सेंध लगा दी है बाकी पार्टियों में, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी का जो सपोर्ट बेस है वो सिकुड़ा है। कांग्रेस का जो सपोर्ट बेस था, जो मुझे लग रहा है कि पिछले चुनाव में 6% से थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा। सर देखिए देखिए पश्चिमी यूपी का आंकड़ा दिखा रहे, 136 सीटें वहां पर है, लेकिन 94 इस वक्त बीजेपी लेती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है किसान आंदोलन का जो मसला था वो यहाँ पर काम नहीं किया क्या? देखिए देखिए किसान आंदोलन ने एक विपक्ष के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था। किसान आंदोलन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, लेकिन जब कोई जन आंदोलन होते हैं, जैसे कि अन्ना का आंदोलन 2010-11 से शुरू हुआ था, तो अन्ना हजारे तो आंदोलन में नहीं कूदे थे, लेकिन उसका फायदा अखिल भारतीय स्तर पर और दिल्ली और उत्तर भारत में वो विपक्षी पार्टियों को मिला। ये अलग बात है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन को नहीं बुना पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उस अन्ना आंदोलन को दिल्ली की टेरिटरी में, नेशनल कैपिटल रीजन में बुनाया और बाकी क्षेत्रों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई। इसमें कोई दो राय नहीं है। बात कह रहे हैं, आपने दिल्ली का जिक्र किया, ये तस्वीरें हम दिल्ली मुख्यालय की दिखा रहे हैं बीजेपी की, और बीजेपी के पास आज जो मौका है वो 4 राज्यों में जीत का है। इसे बीजेपी के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश को उन्होंने जीता, 24 की लड़ाई को आसान बनाएगा, बाकी राज्यों को भी उन्होंने जीता। देखिए मैं आपका सवाल अगर मैं समझ पाया तो आपने आम आदमी पार्टी के बारे में सवाल पूछा। जी देखिए, आज बीजेपी ने 4 राज्यों में विजय अपना झंडा लहराया है, और ये जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दिल्ली में जो बीजेपी का कार्यालय वहाँ की है, अमित शाह राजनाथ सिंह पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें थी, पहले से सरकारें थी, 4-5 साल से सरकारें थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई अलग राज्य नहीं जीता है, अलग स्टेट नहीं जीती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी और भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही थी कि पंजाब में भी वो अपनी ताकत में इजाफा करेगी, लेकिन उनसे कहीं आगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं दिख रहा है कि पंजाब में इक्का दुक्का सीटों पर। और सर अब क्षेत्रवार हम आगे बढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में निश्चित रूप से, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वहाँ बहुत बड़ा जश्न का माहौल है, और ये जाहिर सी बात है कि किसी 4 राज्यों में आपने सत्ता विरोधी रुझान को आपने चोट पहुँचाई है।